Welcome in MS Learning Point 2020. एक्सरसाइज 7 है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस दीज वर्बल एक्सप्रेशन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको वर्बल एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना है। नाउ लुक एट द फर्स्ट पार्ट, 5 मोर देन 3 टाइम्स पी। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, जब भी मोर देन मिलता है, लेस देन मिलता है, तो उसके बाद वाला जो होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। नहीं, हमें सबसे पहले लिखना है 3 टाइम्स पी। सो लुक एट द सॉल्यूशन, 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, मीन्स 3 इंटू पी। उसके बाद 5 मोर का मतलब हुआ प्लस 5, यानी हम यहाँ लिखेंगे प्लस 5। अब हमें मालूम है जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम उसे हाइट कर देते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली 3p प्लस 5, दैट इज द आंसर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1 लेस देन 6 टाइम्स n। अब देखिए फिर से वही आगे कंडीशन, हमारे पास लेस देन, यानी हमें सबसे पहले ये वाला पार्ट लिखना है, 6 टाइम्स n, यानी 6 इंटू n। उसके बाद माइनस 1 लिखना है, लेस मीन्स होता है माइनस 1। सो लुक एट द सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 6 इंटू n, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 1। अब हमें मालूम है यहाँ पर 6 इंटू n है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6n माइनस 1, दैट इज द आंसर। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, दैट इज 4 टाइम्स द सम ऑफ y एंड 7। 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, सो लुक एट द सॉल्यूशन, 4 इंटू, अब किसका है ये, सम ऑफ y एंड 7, यानी हम ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस 7। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 4 इन ब्रैकेट y प्लस 7। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, दैट इज 5 टाइम्स द क्वांटिटी n माइनस 3। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, टाइम्स क्वांटिटी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सिर्फ इन दोनों के हमें करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके हमें माइनस 3 करना है। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, 5 टाइम्स 5 इंटू n, उसके बाद हमें इसे माइनस करना है 3, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5n माइनस 3। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, दैट इज 25 डिक्रीज बाई 4 टाइम्स e। देखिए डिक्रीज होता है माइनस, अब क्योंकि यहाँ देन है नहीं तो हम पहले इसको नहीं लिखेंगे, पहले इसी को ही लिखेंगे। सो लुक एट द सॉल्यूशन, 25 माइनस, अब ये हमारा 4 टाइम्स ई, यानी 4 इंटू ई, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटू ई। उसके बाद आपको मालूम है ये हो जाएगा 25 माइनस 4e। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेक अवे द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड टी फ्रॉम 60। देखिए हम फ्रॉम पार्ट दे रखा है तो हमें सबसे पहले यही लिखना है 60, और टी का भी मतलब होता है माइनस करना, किसको माइनस करना है हमें, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई को इसमें से माइनस करना है। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, हम यहाँ लिखेंगे 60 माइनस 15 इंटू टी। इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 60 माइनस 15 टी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी डिक्रीज बाई 1/2 सी। मीन्स डिक्रीज मीन्स होता है माइनस करना, हमें माइनस करना है। 1/2 सी मतलब हुआ अपॉन 2 से हमें इसे डिवाइड करना है सी को, यानी हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं बी माइनस सी अपॉन 2, दैट इज द आंसर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 15 मोर देन द क्वोशेंट ऑफ डी एंड 5। यानी मोर देन आ गया, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यानी इसके बाद वाला पहले लिखा जाएगा। क्वोशेंट मतलब होता है इन दोनों को डिवाइड करना। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट डी अपॉन 5 प्लस, क्योंकि मोर हमारा प्लस होता है, तो प्लस 15। एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं इसको डी डिवाइडेड बाई 5 प्लस 15, ये भी एक आंसर हो सकता है। सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।